दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए आयकर विभाग की सीधी भर्ती की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। जनवरी 2024 की ये बड़ी भर्ती की अपडेट आ चुकी है, सीधी भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आपको कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी। यहाँ पर MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 सैलरी है, 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। कैंटीन अटेंडेंट के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, 18,000 सैलरी है, 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। स्टेनोग्राफर के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, 25,500 सैलरी है, 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। टैक्स असिस्टेंट के लिए और टैक्स इंस्पेक्टर के लिए डिग्री पास अप्लाई कर सकते हैं, 25,500 यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट के लिए और टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 44,900 सैलरी है। इसी तरह टैक्स असिस्टेंट के लिए 18 से 27, इंस्पेक्टर के लिए 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। ऑल ओवर इंडिया से, भारत के सभी राज्यों से आप इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज वैकेंसीज निकली है, क्या कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं आयकर विभाग सीधी भर्ती 2024 की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आयकर विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। पोस्ट है इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS और कैंटीन अटेंडेंट की। टोटल 291 वैकेंसीज निकली है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 19 जनवरी 2024 है। सेल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 44,900 से 1,42,400 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड और टैक्स असिस्टेंट के लिए 25,500 से 81,100 सैलरी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS कैंटीन अटेंडेंट के लिए 18,000 से 56,900 सैलरी है प्रति माह के लिए। क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS और कैंटीन अटेंडेंट के लिए 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट के लिए डिग्री पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए और कैंटीन अटेंडेंट के लिए 18 से 25 वर्ष है। टैक्स असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड के लिए 18 से 27 वर्ष है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। फीस ऑल अदर कैटेगरी के लिए 200 रुपये है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। बिना एग्जाम के भर्ती है, स्पोर्ट ट्रायल के आधार पर सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हो। मुंबई जॉब लोकेशन है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। इनकम टैक्स मुंबई .gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों इस भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड करने के लिए और डायरेक्टली अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट INDSarkarinaukri.in का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके इस पेज के एंड में आप देख सकते हो इंपोर्टेंट लिंक्स का ये सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आप जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के इस लिंक पर क्लिक करोगे तो इस भर्ती की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF ओपन हो जाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई की ओर से ये विज्ञापन जारी किया गया है। आयकर विभाग के अंतर्गत मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन स्पोर्ट कोटा की भर्ती निकली है, जिसके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र 22 दिसंबर से मंगाए जा रहे हैं। लास्ट डेट 19 जनवरी 2024 है। यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज वैकेंसी दी गई है और सैलरी की जानकारी दी गई है। जैसे कि ITI यानी कि इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए 14 वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड स्टेनो के लिए 18 वैकेंसीज है। टैक्स असिस्टेंट TA के लिए 119 वैकेंसीज है। मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS के लिए 137 वैकेंसीज है, सबसे अधिक पद है। और इसी तरह कैंटीन अटेंडेंट CA के लिए भी 3 पद खाली है। 291 वैकेंसीज टोटल यहाँ पर निकली है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की यहाँ पर आपको डिटेल दी गई है। स्पोर्ट के आधार पर सिलेक्शन इसमें आपका किया जाएगा। यहाँ पर आपको स्पोर्ट की लिस्ट ऑफ गेम की यहाँ पर पूरी लिस्ट दे दी गई है, जो आप स्क्रोल डाउन करते हुए चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर आप सबसे पहले एज लिमिट चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको अलग अलग पोस्ट के लिए आयु सीमा की जानकारी दी गई है। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर 5 साल की छूट और 10 साल की छूट SC ST के लिए है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। क्वालिफिकेशन की भी पोस्ट वाइज जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर है, जिसको आप फॉलो करते हुए इस भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते
सकते हो। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको फॉर्म भरते हुए अपलोड करनी होगी। एप्लीकेशन फीस 200 है जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे। इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए जो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते में आपकी हेल्प करेंगे। आप यहाँ से सभी इंस्ट्रक्शन रीड आउट कर सकते हो। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। राइट साइड में लॉगिन रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर सेक्शन दिया गया है। लॉगिन करते हुए फॉर्म फिल कर सकते हो या फिर रजिस्टर की टैब पर क्लिक करते हुए रजिस्ट्रेशन करते हुए फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको इंपोर्टेंट डेट्स की यहाँ पर कॉलम दिया गया है। इसी तरह वैकेंसी पोजिशन की जानकारी दी गई। अलग अलग यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। सिलेक्शन क्राइटेरिया की डिटेल, लिस्ट ऑफ गेम या स्पोर्ट, इसी तरह से यहाँ पर एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फीस, इंस्ट्रक्शंस, सभी डिटेल रीड आउट कर सकते हो। बाकी की जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।